वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आपके 19 मार्च का भी एग्जाम पूरा हो चुका है और आपका एग्जाम, मुझे बहुत ही खुशी है कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है और हमने अब की बार खूब मेहनत की है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आज का जो आपका एग्जाम पर्चा था उसको सोल्व करने की बात आती है। तो मैं आपको पूरा एग्जाम पर्चा सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से यह चैनल अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बात करते हैं 101 नंबर के प्रश्नों से, यानी कि 101 नंबर के प्रश्नों से आपके जीके स्टार्ट होता है। तो हम जीके में ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और जीके को ही पहले सोल्व करते हैं, तो आपको भी जीके को ही पहले सोल्व करना चाहिए। तो चलिए 101 प्रश्न कहता है कि वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वर्ष 2022 की बात करें तो जनरल विपिन रावत को अपने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है संयोगिता। कौन था? संयोगिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले में स्थित है, यानी कि सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले से संबंधित है। तो इसके बारे में आपसे पूछ ले, आपको बताना है सवाई माधोपुर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? तो 8 जिलों से मिलती है वो पाली है दोस्तों, पाली की सीमा अपने 8 जिलों से मिलती है। पाली के बाद आता है दोस्तों अपना झालोर जिला, झालोर जिले की जो सीमा है वो 7 जिलों से मिलती है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछ लिया शहबाज शरीफ था। ठीक है, वर्टिसोल्स मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? तो वर्टिसोल मृदा की बात करें तो कोटा बूंदी में ज्यादातर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों अपने धरना शाह के द्वारा बनवाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। खड़ताल नृत्य से क्या है? खड़ताल नृत्य निम्न में से क्या है? तो खड़ताल नृत्य दोस्तों निम्न में से क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रहे, तो वाद्य यंत्र है खड़ताल। ठीक है, खड़ताल निम्न में से क्या है? तो वाद्य यंत्र है। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और कूट शब्द का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ बांध है और सूची सेकंड में उनकी जगह दे रखी है। तो बात करें दोस्तों इन बांधों की, तो ईसरदा बांध आप सबको पता है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और पिचियाक बांध आप सबको पता है, पिचियाक बांध कहां पे? अपने जोधपुर में अस्थित है। ठीक है, और सही बांध आपसे पूछ ले, सही आपको पता है उदयपुर में संबंधित है, और झापरवाड़ा बांध अपने किससे संबंधित है? जयपुर से संबंधित। राइट आंसर थड़ आ जाएगा, गय कै खै, गय कै गय खै आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछ रहे तो हैंग में स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो दोस्तों ये अपने खोला गया है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अरावली जिला अपने किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, जनवरी 2023 में स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? इंपोर्टेंट है, रोहट पाली में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो आप सबको पता है बांग्लादेश के साथ साझा करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसके बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा अपने सतूर वाद्यंत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो किस क्षेत्र का विलय नहीं हुआ था? दोस्तों मेवात का नहीं हुआ था। ठीक है, मेवात में क्या आ जाता है? मेवात में भरतपुर भी आ जाता है। ठीक है, और अपने भरतपुर के साथ साथ अलवर भी आ जाता है। ठीक है, तो मेवात क्षेत्र का विलय नहीं हुआ था।
ठीक है, इस समय की बात आ रही भरतपुर अलवर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुधवाखारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था, तो दुधवाखारा किसान आंदोलन अपने बीकानेर से संबंधित था। भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है, तो दोस्तों ये करता है चांदी की। ठीक है, चांदी की आपूर्ति 90% अपने राजस्थान करता है, याद रखना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, पीतल और पातल किस कवि की रचना है, तो पीतल और पातल अपने कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है, तो काजीरंगा अपने असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है, तो अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सबको पता है सेना भर्ती से संबंधित है, फौज में। भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है, दोस्तों ये अपने किया गया है मोटेरा गुजरात को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया था, तो दोस्तों ये अपने किया गया था राजस्थान में। ठीक है, चलिए, हाँ तैयार किया गया अपने राजस्थान में किया गया था। अगला है कि गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है, दोस्तों ये तो अपने झारखंड में है। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है, दोस्तों दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की एक ऐप है, उस ऐप का नाम आपसे पूछ लिया, आपको बताना है डीजी कोलर। ठीक है, चलिए अगला, कि हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से है, तो सबको पता है मानगढ़ धाम का संबंध अपने किससे संबंधित है, बांसवाड़ा से संबंधित है। अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, तो इसके बारे में बात करें तो शेफाली वर्मा थी। अगला प्रश्न है कि सलादीपुरा सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है, तो सलादीपुरा सीकर से अपने पाइराइट का उत्खनन किया जाता है। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो अपने साझा के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला है दोस्तों कि सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अंट पहाड़ ऊपरे जबरोगढ़ जोधान, यह उक्ति किस किले के बारे में कहा गया है, तो दोस्तों ये जो उक्ति है ये अपने मेहरानगढ़ किला के बारे में कहा गया है, जो अपने कहां पे है, जोधपुर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की सहायक नदी आपसे पूछ लेना, तो आपको बताना है क्या, बनास नदी। वर्तमान में राजस्थान के कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो कार्यपालिका के प्रमुख बात करें राजस्थान में वर्तमान की, तो वर्तमान की बात करें ना, तो आपको बता देना है दोस्तों वर्तमान में कौन है, वर्तमान में श्री कलराज मिश्र हैं। अगला है कि भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी 2-3 दिन पहले की बात थी कि भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है, अगर आप फिल्म के ज्यादातर शौकीन हो तो अपने गोल्डन ग्लोब का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना गोल्डन ग्लोब का अवार्ड प्राप्त हुआ है नाटू नाटू को। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है, तो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, अगला, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तो यह किया गया था चार्ल्स तृतीय को। अगला, राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवाएं आरंभ की गई है, तो जियो की 5G सेवाएं दोस्तों अपने नाथद्वारा से प्रारंभ की गई है, नाथद्वारा अपने राजस्थान में है। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, दोस्तों ये अपने बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वर्तमान की बात करें भारत के तो ले जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है, दोस्तों इससे सरल प्रश्न क्या होगा, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। इनमें से नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं रखता, तो ये भी बिल्कुल सरल प्रश्न है, कौन सा नृत्य राजस्थान से सम्मिलित नहीं है, तो कालबेलिया है, गैर है, घूमर है, लेकिन झूमर अपने राजस्थान का है नहीं, पता नहीं कहाँ का है। अगला है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इससे सरल प्रश्न हो गया कोई नहीं, हीरालाल शास्त्री थे। बेणेश्वर का मेला कब लगता है, ये भी बिल्कुल सरल प्रश्न है, माघ पूर्णिमा को लगता है। अगला, आर्य समाज
द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज द्वारा जो वैदिक यंत्रालय है वो प्यारे साथी अजमेर में स्थापित किया गया था। भारत के सबसे बड़े, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है आपके बारे में बता दूं कि अपने कश्मीर में होता है, ना कि राजस्थान में, ठीक है। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो रबड़ का उत्पादन की बात करें तो केरल में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि जरवा जनजाति निम्न में से कहाँ पे पाई जाती है? तो जरवा जनजाति दोस्तों अपने अंडमान निकोबार में देखने को मिलती है। और जीके का लास्ट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य खाद एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दोस्तों अपने राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की जो स्थापना है वो प्यारे दोस्तों 1974 में की गई थी। चलिए अब हिंदी के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न हिंदी का, जो पहला प्रश्न है वो है कि हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो हाथ के अंगूठे के जो ठीक पास में जो उंगली होती है उसको अनामिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पूछ रहा है नहीं है तो दोस्तों अंचल है, अद्री है, नग है, लेकिन अंचल अपने पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कि असंगत पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो असंगत पर्यायवाची की बात करें तो ईर्ष्या नहीं है, हार नहीं है, जलन नहीं है, मन मुटाव अपने असंगत पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वो आत्मश्लाघी होता है दोस्तों, ठीक है। उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है, तो उपयुक्त स्थापन शब्द कौन सा नहीं है? तो बात करें दोस्तों अपनी स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या, ये अपने स्थापन शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है कि किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ? तो किस विकल्प में नहीं हुआ दोस्तों? अनिष्ट में नहीं हुआ, वैसे सब में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो बात करें इसके बारे में तो कलम और लेखनी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण की बात करें तो मुख और चंद्र है ना प्यारे साथियों। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो व्यंजन संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो रविंद्र नहीं है, वैसे दिगंबर है, उन्नति है, वागीश है, ठीक है। चलिए उपसर्ग रहित शब्द की बात करें तो इसमें था व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो दिगंबर है, उन्नति है, वागीश है, लेकिन रविंद्र नहीं है प्यारे दोस्तों, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द की बात करें तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो अंजलि अपने उपसर्ग रहित शब्द है। अगला है कल शब्द का अर्थ नहीं है, तो कल शब्द का अर्थ नहीं है, तो कल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? तो कलम नहीं है। कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबंध है? तो कर के अर्थ से असंबंध है तो दोस्तों ये अपने कांटा, ठीक है, कांटा राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? तो दोस्तों समास विग्रह के आधार पर बात करें तो पीताम्बर में दोनों हो सकते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है इसके बारे में बात करें तो उससे पहले इसके बारे में बात करें दोस्तों तो विवाहेतर सही है, निरंतर सही है, इतेतर सही है, लेकिन उत्तरोत्तर अपने शुद्ध नहीं है। अगला सही विलोम नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही विलोम नहीं है? तो प्यारे दोस्तों आह्वान और प्लायन, ये अपने सही विलोम नहीं है, वैसे ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है? तो असंगत अर्थ युग्म वाले कौन से हैं? तो वर्ण, वारण और त्यागना, चुनना, ये अपने इससे संबंधित नहीं है। अगला कि पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य कारण मारे मारे फिरते हैं, इस अर्थ के लिए प्रचलन लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे, ये खालिस्तान में यह देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा आ जाएगा? तो दोस्तों इसमें जो खालिस्तान में आ जाएगा तेल, बेचे तेल, ठीक है, यह आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो स्वयं उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जो स्वयं उत्पन्न हो उसको स्वंभू बोलते हैं, ठीक है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो मतहीन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला एक कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो पुनर्रचना अशुद्ध है, ठीक है। किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है? तो प्र उपसर्ग रहित शब्द की बात करें तो प्रणय प्रतीक्षा प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उद्दंत और उद्दंत का सुसंगत अर्थभेद कौन सा है? तो उद्दंत और उद्दंत का सुसंगत अर्थभेद की बात करें तो उद्दत का होता है तत्पर और उद्दंत का होता है प्रचंड। अगला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द की बात करें प्यारे साथियों विशिष्ट अशुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द नहीं है, तो कौन सा इनमें से विलोम शब्द नहीं है?
तो उत्कर्ष का निर्कर्ष निष्कर्ष नहीं होता दोस्तों, ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है, तो अंक शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो गणित अपने अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अगला, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, तो किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, तो अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका नहीं होती, ठीक है, ये अपने सार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है कि वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो वी उपसर्ग का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो विश्वामित्र नहीं है, वैसे सभी हैं। अगला, मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ की बात करें ना, तो मनोज और मनोज्ञ युग्म की सही बात करें, तो एक एक मनोज का काम होता है कामदेव, एक मनोज का अर्थ होता है कामदेव और एक मनोज्ञ का होता है सुंदर, ठीक है। अगला है कि ग्रंथ और ग्रंथि समसूत्र शब्द का सही अर्थ की बात करें, तो इसमें आ जाएगा अपने, एक ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक और ग्रंथि की अर्थ होती है गांठ, ठीक है, ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा नहीं है, तो प्र धन ऊट प्रौढ़, ये अपने संधि से संबंधित सही शब्द नहीं है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो विलोम शब्द की बात करें तो किस में विलोम शब्द नहीं है, अवसाद और विषाद में विलोम शब्द नहीं है। अगला, सही विलोम शब्द नहीं है, तो सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों अपने हिंसा का प्रतिहिंसा सही विलोम शब्द नहीं है। अगला है कि आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों आन प्रत्यय का प्रयोग अपने गुमान में नहीं हुआ है। षष्ठ मुख का संधि विच्छेद होगा, दोस्तों षष्ठ मुख का संधि विच्छेद की बात करें षट धन मुख आ जाएगा, ठीक है। अगला एक शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा आ जाएगा, तो शुद्ध वाक्य अपने वह अपने भाग्य को कोस रहा है या अपने शुद्ध है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो उपसर्ग रहित शब्द की बात करें तो कुटिल अपने उपसर्ग रहित शब्द है प्यारे साथियों। अगला एक शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा नहीं है, इसके बारे में बात करें तो आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, ये अपने शुद्ध वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, तो किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, कि चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी का निशंक होना, ये अपने भावार्थ सुसंगत नहीं बैठता, ठीक है, यही अपना राइट आंसर है आ जाएगा। अगला है मेघ में, मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा आ जाएगा, तो मेघ का अर्थ होता है दोस्तों, मेघ का अर्थ आपको आपको पता है जलद होता है, और मेघ का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड। अगला है कि दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, तो दु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य नहीं है, तो कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य नहीं है, इसके बारे में बात करें तो वह विलाप करके रोने लगा, ये अपने शुद्ध वाक्य नहीं है। अगला है कि किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है, तो किस वाक्य में अशुद्ध विलोमता है, तो विज्ञ का सुविज्ञ और ऋतु का अनृत, इसमें अपने अशुद्ध विलोमता है, ठीक है। अगला है कि आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं, फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, यह याद रखिए, खालिस्तान वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी आ जाएगी, तो आ गया जो जो बीजे कामरी त्यों तो भारी होए, ठीक है। चलिए अगला है कि किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है, तो किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो इसके बारे में बात करें तो भिक्षा और याक्षवर्ती और मधुकरी, ये अपने सभी के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अगला है अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द की बात करें तो प्यारे साथियों प्रज्वलित अपने अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है कि टीका शब्द का अर्थ नहीं है, तो टीका किस शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो अपने घमंड का अर्थ नहीं है टीका, ठीक है। चलिए अगला है किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो गार प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों अपने सभागार में नहीं हुआ। किस विकल्प में मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है, तो युक्तियुक्त अपने अर्थ अपने पेट में पांव छली कपड़ी होना, ये अपने इससे अर्थयुक्त नहीं है, ठीक है। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों अपने, अच्छा अच्छा इसमें दोस्तों बात करें ना तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको आप एक क्रॉस लगा सकते हैं, यानी कि इस पर लगता है कि ये डिलीट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित शब्दों की विचार करें प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों की विचार करें तो विपट है, बूदर है, ध्रुम है, पल्लव है, किस विकल्प में सभी वृक्ष के पर्याय हैं, तो किस विकल्प के हैं सभी वृक्ष के पर्याय, तो ए विटप भी वर्ष होता है, वृक्ष होता है, और दुमरी अपने वृक्ष का पर्यायवाची है, तो ए और से आ जाएगा, यानी कि फोर्थ राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि दारू का सही अर्थ है, तो दारू एक तरफ छोटा रू और एक तरफ बड़ा रू, तो एक तरफ जो दारू है छोटा रू का अर्थ होता है दोस्तों लकड़ी, और दारू का अर्थ होता है शराब, ठीक है, हमेशा याद रखना प्यारे साथियों। चलिए अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के प्रश्नों के बारे में। चलिए इंग्लिश का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों,
पहला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो हाउ ब्यूटीफुल इन द नाइट, तो इसके बारे में बात करें तो अपने फोर्थ राइट आंसर अपना आ जाएगी नाइट सेम्स टू बी ब्यूटीफुल। चलिए अगला है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंटेलिजेंट आइटम। तो बिहेवियर ऑफ दैट फॉलो ही इज ए वुल्फ इन स्लीप एज क्लोथिंग। तो इसका राइट आंसर अपना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा बताइए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हाइपोटिव। ठीक है, चलिए अगला है फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट ऑप्शन। तो आई ए प्ले बाई पेंटर। ठीक है, आई इसमें जो खालिस्तान में जो शब्द आएगा आई एम रीडिंग ए प्ले बाई पेंटर। ठीक है, चलिए जो 54 वाला क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इंटेलिजेंट वर्ड। तो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर योर प्रोसेड फ्यूचर। तो इसका जो 54 नंबर का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फदर। ठीक है, चलिए अगला है कि चूज द करेक्ट एक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस। तो पैसिव का बात करें तो देयर इज नो सेल्प टू बी लेट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने देयर इज नो सेल्प टू लेट। अगला प्रश्न है कि द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू फोर पार्ट्स। ठीक है, चॉइस द पार्ट विच ए ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। तो कौन सा इनमें से रॉन्ग है, तो रॉन्ग अपना सेकंड है कि इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ। ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फील इन द ब्लैंक्स स्पेस। तो आफ्टर द फ्रेंच पुलिस एज सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स द ग्रामेन अथॉरिटीज टू खालिस्तान ऑफ यूजिंग टीम देम। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये अपने आ जाएगा थाउट। ठीक है, थाउट ऑफ यूजिंग देम। अगला है चॉइस द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वी ट्रेड एवरी प्लान। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वी लेफ्ट नो प्लान अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अगला है चॉइस द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। तो नोटिस वाज टेकन डाउन। तो नोटिस वाज टेकन डाउन इसका राइट आंसर आ जाएगा दे टॉक डाउन द नोटिस। ठीक है, अगला कि चॉइस द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। तो ही वी हैड बेटर गो साइड सी गेटिंग अप। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी साइड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों की चॉइस द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन आइटम। ठीक है, या फेज। तो द टीचर ऑलवेज प्लेड द डिवेल एज एडवोकेट टू प्रोके डिस्क्यूज इन द क्लासरूम। तो इसके बारे में बात करें तो 61 का अपना राइट आंसर आ जाएगा परसेंट ए कंट्रोल एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अगला एक चॉइस द वर्ड विच मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो कंपल्सरी एलिजमेंट फॉर मिलिट्री। तो कंपल्सरी एलिजमेंट फॉर मिलिट्री के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये कंसेप्शन। ठीक है, चलिए वो 63वां प्रश्न कह रहा है कि चॉइस द ऑप्शन वर्ड सब्सटेंशन फॉर द गिवन फेज। तो इसके बारे में बात करें तो ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन विच ए रिगार्ड एज बीन एसटी हेड एक्सेप्टेड और सेल्फ एवरिडिटी ट्रू। तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपने एक्सोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है खालिस्तान में है तो खालिस्तान को अपने को बुरा करना है कि हिज वाज ग्रैंडिंग। तो जो खालिस्तान के अंदर जो वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा वोकेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चॉइस द एनाटॉमी ऑफ द वर्ड कम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमको एनियम यानी कि चॉइस द एनियम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इनमें से ऑप्शन में से अपन को एक वर्ड छांटना है इसके बराबर, तो ये अपना सेकंड अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स चॉइस द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जिसका 66 नंबर का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वाज गोइंग। ठीक है,
चलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ आंसर आंसर, ठीक है। मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग मेरी थोड़ी खराब है, इसलिए मैं आपको आंसर आंसर बता देता हूँ। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे आंसर बिल्कुल ट्रस्टेड है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, विद्वानों के द्वारा बनाए गए तैयार हैं, ठीक है। तो 67 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो सेकंड आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 68 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो 69 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो प्यारे साथियों फर्स्ट आ जाएगा, और जो 70 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो दोस्तों सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो 71 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों सेकंड, और 72 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों फोर्थ, ठीक है। और जो 73 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट, और 74 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों सेकंड, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगला है कि 75 का जो प्रश्न जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट, और 76 का जो आंसर आ जाएगा वो प्यारे साथियों वो अपना आ जाएगा थर्ड, और 77 का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड, और 78 का जो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों वो आ जाएगा सेकंड, और 79 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो भी सेकंड, और 80 का राइट आंसर अपने कौन सा आ जाएगा, 80 का आ जाएगा फर्स्ट, और 82 का जो राइट आंसर 81 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट, और 82 का राइट आंसर आ जाएगा वो भी अपने फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं, आपके पास पेपर होगा ही, ठीक है। चलिए, 83 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, और 84 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 4, और 85 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, और 86 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों प्रोजेक्ट यानी कि सेकंड, और 87 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, हैज एक्सेप्टेड। अगला है 88 का, 88 का अपने राइट आंसर आ जाएगा थर्ड, और 89 का आ जाएगा फर्स्ट, और 90 का आ जाएगा दोस्तों अपने क्या आ जाएगा, 90 का सेकंड हैप्पी, और 91 का आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, और 92 का प्रश्न का आंसर आ जाएगा दोस्तों अपने फर्स्ट, ठीक है, 92 का फर्स्ट, और 92 का आ जाएगा अपने दोस्तों कौन सा आ जाएगा, 92 का अपने आ जाएगा फर्स्ट, और 93 का आ जाएगा अपने सेकंड, और अपने 94 का दोस्तों 94 का भी अपने सेकंड आ जाएगा, 95 का अपने भी सेकंड आ जाएगा, और 96 का जो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों वो आ जाएगा फर्स्ट, और 97 का फोर्थ आ जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों, और 98 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो अपने क्या आ जाएगा, 98 का राइट आंसर अपने फर्स्ट आ जाएगा, 99 का अपने आ जाएगा फर्स्ट, और 100 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों वो आ जाएगा फोर्थ। तो दोस्तों ये हो गए अपने 150 प्रश्नों के, आपके जवाब मिल गए होंगे, मुझे आशा है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है। मुझे इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी कम आती है इसलिए मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं कभी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद।